हेलो एंड वेलकम टू न्यूज क्लिक। नमस्कार, आदाब, मैं परंजॉय गुहा ठाकुर था और आज मेरा साथ अध्यापक प्रदीप कुमार दत्ता। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल थियोरी सेंटर में स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज में उन्होंने अभी अध्यापक है। इससे पहले इन्होंने PhD किया दिल्ली विश्वविद्यालय में मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, आधुनिक भारतवर्ष के इतिहास के ऊपर, और दिल्ली विश्वविद्यालय का जो राजनीति विज्ञान जो विभाग है उसका भी हेड थे। और इन्होंने किताब भी लिखे हैं, एक किताब है कार्विंग ब्लॉक्स कम्युनल आइडियोलॉजी इन अर्ली 20th सेंचुरी बंगाल, 99 साल में, और इससे पहले 93 साल में और लोगों के साथ इन्होंने लिखा खाकी शॉर्ट्स सैफ्रन फ्लैग्स। और भी रविंद्रनाथ ठाकुर का जो घोरे बायरे होम एंड द वर्ल्ड, इसके ऊपर इन्होंने एक क्रिटिकल कंपेनियन का संपादक थे। और आज हमारा पुराने मित्र के साथ एक चर्चा का विषय है माइग्रेशन, फैमिन एंड स्टेट पॉलिसीज। प्रदीप, धन्यवाद आपका समय, आपने न्यूज क्लिक का दर्शक को आपने दिया। 43 साल में बंगाल में अकाल के लिए कम से कम 30 लाख लोगों भूखमरी में, और आज हम लग रहे कितने आश्चर्य बात है कि एक साल पहले 42 साल में एक साइक्लोन हुई थी जब दुर्गा पूजा का समय था। कुछ दिन पहले कलकत्ता में और पश्चिम बंगाल में भी एक साइक्लोन हुई थी। और बहुत सारे किताब आए हैं इस विषय के ऊपर, चलचित्र भी आए हैं। सत्यजीत राय ने डिस्टेंट थंडर यानी कि ओशोनी संकेत करके भी एक इस जो अकाल के ऊपर एक चलचित्र इन्होंने बनाया था 1973 में, और बहुत सारे किताब भी आए हैं। जनम मुखर्जी एक किताब लिखा है हंगरी बंगाल, एक नया इतिहास, और उनका कहना है कि अगर हमें भारतवर्ष का विभाजन का समझना है, अगर कलकत्ता में 40 का दशक में हिंदू मुसलमान दंगा को समझना है तो हमें 1943-43 का जो अकाल समझना बहुत जरूरी है। और मैं आपसे सवाल उठा रहा हूं, उस समय क्या हुई थी और आज क्या हो रहा है, हम क्या तुलना कर सकते हैं इस विषय के ऊपर। मेरा बहुत सारे सवाल है, मगर मेरा पहला सवाल यह है कि हम तुलना कर सकते हैं 75-80 साल पहले बंगाल में जो हुई थी और आज भारतवर्ष में जो हो रहा है। हाँ, आधार तो है मगर बहुत फर्क भी है, अंतर भी है। आपने जैसे कहा एक साइक्लोन आए थे बंगाल फैमिन से पहले 1942 में, 14,000 से 15,000 लोग का मौत हो गए थे, मगर उससे आगे बढ़ के संगत में एक और बहुत ज्यादा अंतर है। ये है जो उस वक्त 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहे थे, आजादी का लड़ाई, और दूसरी बात एक लड़ाई विश्व युद्ध का संदर्भ भी चल रहे थे जो हमारे यहां पर प्रस्तुत नहीं। अलग सा है, कोविड है, एक ग्लोबल प्रॉब्लम है, पैंडेमिक है, उनके बहुत सारे राष्ट्र का अलग अलग तरीके से उन्होंने कोशिश किया इसका सामना करना, तो ये तो संदर्भ में फर्क है। मगर जो चीज तुलनामूलक है ये है राष्ट्र का नीति, सरकार का नीतियां, सरकार का व्यवहार। सरकार भी अलग किस्म का है, ये पार्लियामेंट्री सिस्टम है, आजादी के लिए हमने ये पार्लियामेंट्री सिस्टम स्थापित किया, वहां पर कॉलोनियल सिस्टम थे, औपनिवेशिक काल में हम उस वक्त गुजर रहे थे, तो सरकार तो अलग था। मगर सरकार का जो एक व्यवहार, एक रवैया, उसमें हमें तुलना दिखाई देते हैं।
ये है जो सरकार ने वहां पर भी और अभी भी जो भी सिद्धांत लिया उन्होंने, ये लिया लोगों, जो गरीब लोग, जो आम पब्लिक के बारे में नहीं सोच के लिया इन्होंने। वहां पर जब लिया था लड़ाई का संदर्भ में, विश्व युद्ध में संदर्भ में, सिर्फ ब्रिटिश इंटरेस्ट के बारे में उन्होंने सोचा था। आर्मी का क्या करना है, क्या उचित है या नहीं उचित है, और इस वजह से उन्होंने ये एक पॉलिसी ले लिया जो डिनायल पॉलिसी कहता है, जिससे फूड, खाना, स्पेशली राइस और बोट्स ने ये दोनों चीज ध्वंस कर देंगे, डिस्ट्रॉय करेंगे। तो उनका जो ये ब्रिटिश इंटरेस्ट, ब्रिटिश साम्राज्यवाद को रोकने, सपोर्ट, समर्थन करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए उन्होंने ये वॉर कैबिनेट लंदन से ये डिसाइड किया, और इस वजह से जो अकाल हुआ, जो माइग्रेशन हुआ, इस वजह से हुआ क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने आम गरीब कल्टीवेटर, आम लोग के बारे में सोचा नहीं। जब सप्लाई चेन खत्म हो जाते हैं, जब खाना, फूड का जो इतना स्केसिटी हो जाता है, जो ब्लैक मार्केटिंग फ्लरिश करेगा, करना शुरू होता है। अब भी जो फूड कॉरपोरेशन के पास बहुत गेहूं है, बहुत सारे फूड ग्रेन्स है, 3 गुन या 4 गुन ज्यादा है, पता नहीं कितना है, मगर 3 से 4 गुन ज्यादा है। अगर वो जो डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए वो नहीं किया, लॉकडाउन घोषित किया है, 4 घंटे के अंदर लॉकडाउन घोषित किया, मगर जिस तरीके से लोगों को सहायता देना चाहिए, जिस तरीके से सपोर्ट करना चाहिए, स्पेशली फूड के लिए, खाने के लिए, वो रवैया नहीं रहा यहाँ पे। प्योरली जो हम कह सकते हैं एक प्योरली गवर्नमेंटल स्ट्रेटेजिक डिसीजन था, सिर्फ स्ट्रेटेजिक डिसीजन, वहां पर भी दूसरी तरह का स्ट्रेटेजिक डिसीजन था, सिर्फ आर्मी के वजह से, आर्मी के लिए एक सिद्धांत लिया, सिद्धांत लिया बिना सोच के जो गरीब का क्या होगा, बिना सोच के जो कैसे खाना दूसरे राज्य से ले सकते हैं। इनफैक्ट आपने कह रहे थे चर्चिल के बारे में जिक्र किया है, उन्होंने एक्चुअली दो चीज, एक तो विश्व युद्ध चल रहे थे, दूसरा चीज उन्होंने ये भी सोचा जो हम एक सबक सिखाएंगे। 1942 में इन्होंने आजादी के लड़ाई किया है, अभी सबक सिखाएंगे। हम जब यहां पर आ रहे हैं, हमें शायद ये नहीं है जो सबक सिखाने के लिए है यहाँ पे। यहाँ पर जो स्ट्रेटेजिक डिसीजन यहाँ है, ये आधार है जो बिना चिंता करके, बिना सोच समझ के, जो इसका असर क्या हो सकता है, एक इमीडिएट ड्रामेटिक जो एक ड्रामा होता है, जो एक लॉकडाउन होगा, 4 घंटे में होगा, पूरा दुनिया ने सोचेंगे हाँ कितना बढ़िया चीज हुआ, शायद ये सारे चीज सोच के ये लॉकडाउन हुआ। स्वास्थ्य के बारे में भी शायद थे ये भी, मगर 4 घंटे में बिना सोच के जो कैसे फूड सप्लाई, सप्लाई चेन कैसे रहेगा, ये बिना सोच के ये लॉकडाउन क्या है। प्रदीप, दूसरा मगर चीज जो लॉकडाउन, आप बताइए। मैं इसी के ऊपर और भी कहना चाहता हूँ। देखिए, जैसे हम तुलना किया 40 का दशक ब्रिटिश सरकार, आज का सरकार, आज भी हम देख रहे हैं फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के पास चावल और गेहूं है, इसको कौन वितरण करेगा? केंद्रीय सरकार का एक भूमिका है, राज्य सरकार का एक भूमिका है, और एनजीओज यानी कि गैर सरकारी संस्थाओं का भी एक भूमिका है। मगर आज एक आश्चर्य स्थिति में है, जो हमारा सेना जो है, इंडियन आर्मी, उसको नहीं बुलाया कि आप जो प्रवासी मजदूर को एक जगह से दूसरा जगह जाने का मदद करो, उसको खाद्यान्न वितरण करो, उसको पक्का खाना बना के खाना खिलाओ। कुछ लोग
कुछ गैर सरकारी संस्था कुछ एनजीओ कर रहे हैं, तो सचमुच हमें लग रहा है कि मोदी सरकार का जो रिएक्शंस है एकदम ब्रिटिश सरकार का रिएक्शन की तरह है 75 साल पहले जो हुई थी, 80 साल पहले जो हुई थी। एक तो बहुत कॉमन चीज है, एक व्यवहारिक जो मुद्दा है, जो इशू है, वो व्यवहार बिल्कुल तुलनामूलक है जो मैंने बताया था। और फूड कॉर्पोरेशन में खाना भी है, सप्लाई भी हो सकता है, मगर नहीं दे रहे। वहां पर आर्मी एटलीस्ट वॉज ऑक्यूपाइड, कुछ लड़ाई में थे, मगर यहाँ पर कोई लड़ाई का भी कुछ परिस्थिति नहीं है। हम लोग फिर इतिहास के पन्ने वापस चले जाते हैं वहीं पे। 47 साल में भारतवर्ष का विभाजन हो गया था, उससे पहले हिंदू मुसलमान दंगा शुरू हुई थी और चलता रहा, एकदम 48 तक तो जरूर चला। और साथ साथ हम देखा पलायन, और बहुत लोग कहते हैं विश्व में इतना बड़ा जो कहते हैं फोर्स्ड माइग्रेशन, बहुत कम समय में, बहुत कम जगह, बहुत इतिहास में हम बहुत कम देखा। और हमने देखा कि कम से कम 1.5 करोड़ लोग, ज्यादा से ज्यादा बंगाल और पंजाब से पलायन किया, रेफ्यूजीज बन गए थे, शरणार्थी बन गए थे, उद्वास्तु बन गए थे। और उस समय भी लगभग कोई कहते हैं 15 लाख, कोई कहते हैं 10 लाख, कोई कहते हैं 20 लाख लोग का मौत हो गई थी वही 3-4 साल में। मेरा कहना है कि उस समय जिस तरह से हम पलायन देखा, आज का जो पलायन हम देख रहे हैं, जो प्रवासी मजदूर सब कुछ भूल के अपने घर के तरह जा रहे हैं, और हम हर रोज टेलीविजन का पर्दा में, अखबार में, वेबसाइट में पढ़ रहे हैं दी पैथेटिक टेरिबल स्टोरीज जो हम सुन रहे थे, हम उसके साथ भी तो तुलना कर सकते हैं ना? हाँ और ना। थोड़ी सी एक बहुत जनरल से बात में तुलना हो सकता है। ये जनरल सा बात है जो कोई क्राइसिस, जब समाज के क्राइसिस होता है ऐसे, या नेचुरल नेचर बेस्ड क्राइसिस, प्राकृतिक क्राइसिस, तब समाज का विभाजन और भी स्पष्ट हो जाते हैं। उस वक्त एक पलायन का जनरल परिस्थिति था, बॉम्ब के लिए कलकत्ता से वापस जा रहे, बाहर जा रहे थे, मगर ज्यादातर लोग कलकत्ता में आ रहे थे, और लोग कौन थे? गरीब लोग, और उनके पास कुछ भी नहीं थे, जो कल्टीवेटर्स एक्सेट्रा। अंतर अभी जो है, जो हम मध्यम वर्ग का जो लोग है, हम लॉकडाउन में हैं, मगर जो गरीब है उन्होंने पलायन कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा अंतर है। हाँ हाँ, ये तो सच है, जो पलायन कर रहे वहां पर उनका परिस्थिति बहुत ही बुरी हालत है। मतलब वो, मतलब शब्द से उसको विवरण नहीं कर पाते हैं कभी कभी। बंगाल फामिन में शायद और भी खराब हालत थे, मुझे हमें पता नहीं है, क्योंकि इसका खबर भी बहुत कम हमें मिलते हैं। आज का जो परिस्थिति है, क्योंकि जो पब्लिसिटी है जितना होना चाहिए, बहुत वजह से, सरकारी वजह से भी हमें बहुत कम मिल रहा है। बंगाल फामिन के बारे में हमें बहुत ज्यादा अभी मिल रहा है, क्योंकि बहुत सारे शोध हुआ उसके ऊपर। हम जो देख रहे हैं छोटी मोटे जो पर्सनल एनकाउंटर्स से, टीवी से या कहीं और सोशल मीडिया से, परिस्थिति तो बहुत ही गंभीर रुला देते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो एक परिस्थिति, अगेन पहले जो परिस्थिति थे, वो परिस्थिति दो इलाके में हुआ था पलायन का, एक बंगाल में, बंगाल में, और दूसरा पंजाब में, बाद में पार्टीशन के वजह। यहाँ पर ऑल इंडिया एक पलायन का परिस्थिति चल रहा है। हाँ, क्योंकि सारे माइग्रेंट लेबर बहुत सारे देश का बहुत सारे जगह में गए, और उनका जो जितना दूर उनको जाना पड़ रहा है रास्ते में, और मतलब लाइन ही लाइन जो भी देखा हमने, ये बहुत ही दुख देते हैं। हम यहाँ पर भी, हमारे शहर में भी देखते हैं, लाइन पे लाइन लोग बैठे हैं कोविड में टेस्टिंग करने के लिए।
अब कभी कभी मैं खरीदने जाता हूं तो एक दो आदमी ऐसे जा रहे बिना कुछ दिशा से, बिना कुछ सोच से, कुछ पानी के लिए मांग रहे हैं। ये बहुत ही बुरी हालत, क्योंकि एक ने शब्द जो है, एक चिंतक, पश्चिमी चिंतक ने कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स के बारे में बताया था, जर्मनी में जो हुआ था, उनको परिस्थिति, उनको कहा था ये एक बैड लाइफ है, सिर्फ जीवन, बैड लाइफ, सिर्फ जीवन, और जीवन और मौत के बीच आप रह रहे। ऐसे परिस्थिति बंगाल फैमिन के वक्त भी थे और अभी उस परिस्थिति बहुत लोग के लिए होते हैं। आप रेलवे लाइन में सोए हैं, बस चले गए, कितना लोग मरे हैं, नहीं मरे हैं, हमें पता भी नहीं है, कितना उन्होंने दुख सहना पड़ा हमें पता नहीं है। हाँ, जो राष्ट्र का जो व्यवहार है, इसमें अपना गरीब के बारे में सोच, दूसरा जब आपके पास संबल है, रिसोर्सेस है, जो वो आप गरीब के लिए दे सकते हैं, वो रिसोर्सेस, मटेरियल रिसोर्सेस जैसे फूड ग्रेन, या इंस्टीट्यूशनल रिसोर्सेस जैसे आर्मी है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, वगैरह वगैरह, कुछ भी नहीं इस्तेमाल हो रहा है। प्रदीप, मैं दोबारा आ रहा हूं वही सवाल में, जो सांप्रदायिकता, जो सांप्रदायिक शक्ति है, आज भी हम देख रहे हैं एक तरह से इस्लामोफोबिया। अभी भी बहुत लोग सोचते हैं कि हमारा ये जो महामारी हुई है इसके कारण है कुछ तबलीगी जमात के एक संगठन है, उसके लोग आके इसीलिए भारतवर्ष में ये बीमारी, ये महामारी फैल गए हैं। और हम देख रहे कुछ ऐसे लोग हैं, और इसमें भारतीय जनता पार्टी का जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेल, यहाँ के इनके भी लोग हैं, और हम देख रहे कि भारतवर्ष का विभाजन के पहले तो भारतीय जनता पार्टी नहीं थे, ठीक है, हिंदू महासभा थे, भारतीय जनसंघ का जन्म हुई, फिर भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ। मेरा सवाल है कि हम देख रहे कि जो सांप्रदायिक शक्ति, हिंदुओं का एक हिस्सा और मुसलमान, जो भारतवर्ष में हर 7 व्यक्ति में एक व्यक्ति मुसलमान है। मैं एक 2015 में एक विदेशी लेखक जो भारतवर्ष में रहते हैं, विलियम डैलरिम्पल, उन्होंने न्यूयॉर्कर में एक लेख लिखा था, उसका एक सेंटेंस में पढ़ के सुनाता हूं। The polarization of Hindus and Muslims occurred during just a couple of decades of the 20th century, but by the middle of the century, it was so complete that many on both sides believed that it was impossible for adherents of the two religions to live together peacefully. क्या हम पीछे चले गए हैं? हम 75 साल पीछे चले गए हैं, जो 40 का दशक में हम देखा था हिंदू और मुसलमान के बीच जो हिंसा, एक दूसरे को जो जिस कारण के लिए भारतवर्ष का विभाजन हुई थी, पार्टीशन हुई थी, हम क्या उस समय में वापस दोबारा आ गए हैं, या हम जा रहे हैं उसी साइड, वही पे, वही रास्ता में हम जा रहे हैं? मेरे सोच में वापस भी जा रहे हैं और आगे भी बढ़ रहे हैं, दोनों ही हो रहा है। एक तो विभाजन से पहले, देश का विभाजन से पहले जो परिस्थितियां थे, उसमें लगभग हिंदू और मुसलमान का जो सांप्रदायिक क्षमता, वो मोर ऑर लेस एक था। बीजेपी नहीं था उस वक्त, सही बात है, मगर आरएसएस था उस वक्त, और मुसलमान के अंदर खक्सर भी थे, बहुत सारे, इतना आर्म्ड मिलिशिया सारे थे। डायरेक्ट एक्शन डे जब हुआ, वो सुरावर्दी ने किया था, हाँ, मगर जितना लोग मरा था, ज्यादातर मुसलमान थे, राधन हिंद, मतलब दोनों साइड ही तैयारी में थे, हाँ। और जो लड़ाई हुआ, इतना खतरनाक हुआ, पार्टीशन का जो जब माइग्रेशन हुआ, ये एक वजह थे जो दोनों साइड ही एक सामाजिक तौर पे लड़ाई कर रहे थे, क्योंकि वो परिस्थिति, माहौल ऐसे बन गए थे। बहुत सारे लोग थे, कोशिश कर रहे थे, गांधी जी तो अपना जिंदगी भी दे दिया उस कोशिश में, लोग ऐसे नहीं था, जो लोग का
चेतना भी आते थे। जब गांधी जी ने नोआखाली में गए तो जो दंगा होते थे वो दंगा उसी वक्त खत्म हो गए थे। तो वहां पर एक सोच में भी, हाँ, नफरत के सोच भी थे और अमान के भी सोच थे, शांति के भी सोच थे, दोनों ही चीज दिल में थे उस वक्त उस परिस्थिति में। आप जब आगे बढ़ के हमारे यहाँ आज में आ जाते हैं, आज के दिन में, ये है जो क्षमता एक नहीं है। राष्ट्र क्षमता जो है वो भाजपा के अंदर है और बहुत सारे हमने एक के बाद आंदोलन देखा है, बहुत सारे उससे संस्था जुड़े हुए हैं, जो एक पारिवारिक संस्था है जिसके एक हिस्सा भाजपा भी है। और हमने ये जो इस्लामोफोबिया बहुत दिन से देख रहे हैं, बहुत दिन से देख रहे हैं, और ये अभी आके ये एक नया रूप धारण किया है। मगर इसका जो नतीजा है ये नहीं, विभाजन का नतीजा नहीं है, इसका नतीजा और या डायरेक्शन में जो जा रहे हैं ये है जो मुसलमान का जो नागरिकता हिंदू नागरिकता से अलग है, समान नागरिकता नहीं, सेकेंड क्लास इक्वल सिटीजनशिप के ऊपर ये एक चोट पहुंचा रहे हैं। प्रदीप, मैं वापस चला जाता हूं जहां से हम लोग शुरू किया था, और आपके साथ मेरा संपर्क बहुत सालों का है, 50 साल से भी ज्यादा, 55 साल हो गया हम दोनों का दोस्ती कलकत्ता से। हाँ, बिल्कुल। आपको मालूम है कि 10 मई आपके तरह जैसे अध्यापक ऐतिहासिक हरि वासुदेवन, मेरा बहन के साथ उनका विवाह हुई थी, उनका बेटी भी है, उनका मृत्यु हो गए थे 10 तारीख के दिन कोविड के लिए। उनका जो आखिरी लेख था जो न्यूज क्लिक छपा था, फूड इज अ नेसेसिटी सो इज मेकिंग इट अवेलेबल। हाँ, हम जी नहीं पाएंगे अगर हमें खाद्यान्न नहीं मिलेगा, मगर सरकार का काम है इसको वितरण करना, लोगों के पास पहुंचाना। तो ये सवाल उन्होंने बार बार उठाया, और ये जो समस्या है पंडित जवाहरलाल नेहरू से आज नरेंद्र मोदी के सामने, ये बड़ा समस्या है, कौन वितरण करेगा, कैसे वितरण करेगा। आज जो प्रवासी मजदूर है, जो सड़क में है, जो राजमार्ग में पता नहीं हजारों किलोमीटर पैदल जा रहे, साइकिल जा रहे, इनके लिए कौन, इनको कौन खाना देंगे, कौन पुष्टि कर खाना देगा। और हरि वासुदेवन जो जिन्होंने लिखा था, और उन्होंने जो उनका अपना लेख खत्म किया एक सेंटेंस कि जिस तरह से हम देख रहे हैं आज हमारा सरकार का व्यवहार, दिस इज एन अपोलिंग कॉमेंट ऑन वेयर इंडियाज रिपब्लिक हैज अराइव्ड व्हेन मच ऑफ इट्स ओरिजिनल प्रोजेक्ट वाज टू डील विद दीज वेरी प्रॉब्लम्स। हम जब हमारा जब स्वाधीनता आया था, 70 साल से भी ज्यादा हो गया अभी, यही तो हमारे सबसे बड़ा सामने लक्ष्य था कि लोग भूखमरी में नहीं मरेगा। हम वापस चले गए उस दिन में, उस दिन के समय। आपका आखिरी जो आप कहने चाहेंगे आप कहिए। नहीं, हरि जी का तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक आर्टिकल, बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल ने उन्होंने पूछा, उठाया वहां पे, और अंत में एक सवाल ऐसे उठाना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण लगता है हमारे लिए। एक दो चीज और उससे जोड़ना चाहता हूं, हरि जी का जो आपने जो बताया और हरि जी का आर्टिकल का भी बारे में। पहला जो एक चीज हम भूल जाते हैं आजकल, जो ये जो खाने के बारे में सोचना, वितरण करना, ये सरकार का कोई कोई मर्जी नहीं है इसमें, ये कोई वो फेवर नहीं कर रहा है, किसी को कुछ दान नहीं दे रहा है। हम भूल जाते हैं जो हमारे आजादी सिर्फ नेता के लिए नहीं हुआ था, हमारे आजादी गरीब का शामिल होने के वजह से ये आजादी हमें मिला था। गांधी जी ने सबसे बड़ा महत्वपूर्ण जो कंट्रीब्यूशन था, जो मैस पार्टिसिपेशन लाया है,
पहले आजादी के लड़ाई में कौन थे, हम मध्यम वर्ग थे और मध्यम वर्ग से डरते नहीं थे ब्रिटिश। डरा इस वजह से क्योंकि इतने सारे लाखों लाखों करोड़ों लोगों आदिवासी से लेकर फार्मर इन्होंने आंदोलन में शामिल हुआ, इसी वजह से ब्रिटिश साम्राज्य ताकत थे। ठीक है उसका थोड़ी सी दुर्बल हो गए, तब भी ताकत थे और जाने का उनका मतलब कोई मर्जी नहीं थे जो जाएंगे, मगर जाना पड़ा इसलिए क्योंकि डर के मारे। और जब हमारे संविधान हुआ, हमने जो पीडीएस ये सारे चीज किया, ये इस चीज से इस सोच से हमने किया है जो हमने ये दान नहीं कर रहे, ये इनका अधिकार है क्योंकि हम सब लड़ाई के लिए आजादी के लिए लड़ाई किया है और ये हमारे कर्तव्य सिर्फ नहीं है, इनका अधिकार है क्योंकि हर लोगों का अधिकार है आजादी में। और ये चीज, एक और चीज जो हरि जी ने वहां पर पेश किया था, ये किया था जो हम मध्यम वर्ग के बारे में उन्होंने भी कुछ टिप्पणी दिया था, जो हम आजकल बहुत कुक बुक्स देखते हैं, बहुत खाने का मजा लेते हैं और ये अभी एक बहुत मध्यम वर्ग का एक बहुत बड़ा सा हिस्सा बन गया। प्रदीप मैं आपको रोक रहा हूं, आप जैसे कह रहे हैं मध्यम वर्ग के लोग आज कुकिंग और क्या खाना बनाएंगे कैसे बनाएंगे इसके ऊपर एक तरह से इनका ऑब्सेशन हो गए। जैसे हरि वासुदेवन में लिखा था और उन्होंने दो चलचित्र अश्विनी संकेत और एक मलयालम का फिल्म उस्ताद होटल 2012 का फिल्म के बारे में लिखा और उन्होंने अंग्रेजी में लिखा, द रिलिश फॉर फूड इज एम्प्टी इफ इट इग्नोर्स द प्लाइट ऑफ दोज अनेबल टू सेवर इट। मगर आप खाना खाएंगे, आप पुष्टिकर खाना खाएंगे, आपको बहुत अच्छा स्वाद होगा वो खाना खाने के लिए, पर आप सोच रहे जो आज खाना, जो जिसके पास खाद्यान्न नहीं है, जो खाना नहीं मिल रहा है, उसके बारे में आप जब खाना खाते हैं उनके बारे में आप सोचते हैं। बिल्कुल सही बात, यही हमें भी यही लगते हैं। जो आप जब खाना के बारे में चर्चा करते हैं, पकाते हैं, डाउनलोड करते हैं नेट से क्या क्या नई रेसिपीज है, ये अच्छी बात है, मेरे इसका कोई इतराज नहीं है, आपको स्वाद भी लीजिए उनका, स्वादिष्ट भी होगा, स्वाद का भी आप मजा लीजिए, मगर सिर्फ मजा लेने का बात नहीं है। आप मजा जब लेंगे उस वक्त आपको सोचना है इस संकट में जो आपको ये कर्तव्य है, जो इन जो मजदूर है जिनके लिए, जिनके पूरा जो परंपरा के लिए हमें आजादी भी मिला, उनका अधिकार है इस खाने के ऊपर और वो अधिकार आपको कोशिश करना है, आपका जो भी आपका पास रिसोर्सेस है, संबल है, उस कोशिश करना है जो वो अधिकार को आप आगे बढ़ाकर प्रकट करें। अधिकार उनका अधिकार है, ये दान नहीं, और अधिकार को आपको मदद करना है कहां पर, दान, सिर्फ दान नहीं देकर, मगर जब जब दान देंगे वो उनका ये सोच के दान देंगे जो इनका ये अधिकार है, ये खाना। धन्यवाद, क्योंकि आजादी के ऊपर सबका आजादी, सबका अधिकार है। धन्यवाद प्रदीप, आपका समय, आपने न्यूज क्लिक का दर्शक को दिया, आपने विस्तार से आज का जो स्थिति है 40 का दशक में जो हो रहे थे उसके साथ आपने तुलना किया। थैंक यू वेरी मच, आप देखते रहिए न्यूज क्लिक।